हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो 11th क्लास की आज हम 9th नवी क्लास देने के लिए जा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर मोल कंसेप्ट यानी मोल अवधारणा। और मोल अवधारणा में हमने एक मोल में क्या क्या होता है ये आपने बिल्कुल अच्छे से रिवाइंड कर लिया होगा। तो बेटा, एक मोल में क्या क्या चीज़ें होती है आपको याद होनी चाहिए। एक मोल में अगर अणुओं की संख्या पूछी जाए तो 6.02 × 10⁻²⁷ यानी 6.02 × 10³³ अणु होते हैं। एक मोल में पदार्थ का उसके अणुभार के बराबर द्रव्यमान होता है और एक मोल में पदार्थ की यानी गैस की 22.4 लीटर आयतन होता है। उसके बाद वेट देने पर यानी किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा देने पर मोल कैसे निकलते हैं, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, दिया गया भार बटा अणुभार कर देंगे तो आपके मोल निकल जाएंगे। दिए गए आयतन में 22.4 लीटर का भाग लगा देंगे तो आपके मोल निकल जाएंगे। और दी गई संख्या के अंदर अगर हम Na यानी अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे तो मोल निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था तो वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो बेटा, क्वेश्चन क्या होने वाला है, 1.7 ग्राम अमोनिया में NH3 में, ये क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट पूछा था मैंने अणुओं की संख्या बताओ, ये पूछा था ना, अणुओं की संख्या कैसे बताई जाएगी, बता सकते हो आप? चलिए बताते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, W, तो W बटा MW ये मोल का फॉर्मूला है और संख्या के लिए N बटा Na ये भी मोल का फॉर्मूला है। तो ये भी मोल का फॉर्मूला और ये भी मोल का फॉर्मूला, तो दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर दो ना। अब आपको ये संख्या पूछी है कि अणुओं की संख्या बताओ, तो N निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, W बटा MW इंटू Na को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे Na। अब आपको अणुभार इसमें निकालने, अणुओं की संख्या NH3 में, तो NH3 का अणुभार क्या होता है, MW हो गया, N का हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू संख्या है 3, तो ये हो गया 17 ग्राम। तो ये अणुभार हो गया NH3 का। अब हमको अणुओं की संख्या निकालना और ज़्यादा इजी हो गया, इस फॉर्मूले में जमा लेते हैं तो W की जगह 1.7 एंड MW की जगह 17 इंटू Na की जगह 6.02 × 10³³, ये आपके कर दिया ऐसे। और ये क्या आ गए, अणुओं की संख्या आ गई आपके। तो अणुओं की संख्या क्या होगी बेटा, इसको काटेंगे तो 0.1 बार कटेगा है, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.02 × 10⁻²। भाई 1/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, तो 10 कट जाएगी, तो ये आ गया आपको। क्लियर बात, समझ में आ गई? चलिए उतारी। अब दूसरी चीज़ क्या पूछी थी इस क्वेश्चन के अंदर, बिठा दो इसको। तो दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं हम, परमाणु संख्या। हमको पता लग गया 1.7 ग्राम बराबर हो गया है 6.02 × 10⁻²² अणु। ये दोनों बात बराबर हो गई ना भाई, इसमें हमने अणु निकाल लिए, तो अब इतने अणु हैं, पर एक अणु में कितने परमाणु हैं,
तो नाइट्रोजन में एक परमाणु, नाइट्रोजन का तो एक परमाणु और हाइड्रोजन के तीन परमाणु, तो टोटल हो गए चार परमाणु। 1.7 ग्राम में अणु इतने, तो परमाणु कितने, 1.7 ग्राम NH3 बराबर एक अणु में चार परमाणु, तो इस अणुओं को चार से गुणा कर दो, 10^22 परमाणु, तो ये परमाणु संख्या आ गई। ठीक है, तो परमाणु संख्या भी हमने निकाल ली और अणु संख्या भी हमने निकाल ली। चलिए एक चीज और पूछी जा सकती है और वो है आपके आयतन, कि भाई NH3 का आयतन कितना होगा। चलिए तो आयतन और निकाल लेते हैं अपन, NH3 का आयतन। तो आयतन के लिए देखो आपको वही W दिया है, तो मोल का फॉर्मूला ये होता है W/mW, और गैस का अगर आयतन आपको दिया हो तो मोल का फॉर्मूला 22.4 लीटर का भाग दे देते हैं लीटर में है। तो ये आयतन भी किस में आएगा, यहाँ अगर आप लीटर लिखते हो तो ये आयतन भी आपके लीटर में ही आएगा। तो आपको अब आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए 22.4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो W/mW इंटू 22.4। अब आपको यहाँ आयतन चाहिए, तो आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, तो W कितना है 1.7, अनुभार कितना है 17 × 22.4, पॉइंट हटा दो 10 लगा दो, 17 से 17 काट दो, तो यानी कितना आयतन आ गया 2.24 लीटर आयतन आ गया है। किसका, 1.7 ग्राम में अणु भी निकाल लिए, परमाणु भी निकाल लिए और आयतन भी निकाल लिए, अगर हमने फॉर्मूले बराबर करना आता है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था तीन फॉर्मूले जो मोल पे पहुंचाते हैं, तो आपको जिस फॉर्मूले की सूचना दे रखी है, जिस फॉर्मूले की सूचना पूछी है, उनको आपस में बराबर करके आप अपनी वांछित चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी किताब के ही क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे एक परमाणु हीलियम के भार की गणना करो, अब आपको एक परमाणु हीलियम का भार बताना है, तो बेटा एक परमाणु हीलियम का भार आप कैसे बताओगे, क्या जानते हो, एक परमाणु का भार पूछा है मैंने, कितने का, एक का, तो आपको परमाणु संख्या दे गई है N=1, परमाणु संख्या कितने दे दी हुई बेटा, N=1 दे दी आपको। ठीक है, चलिए अब परमाणु संख्या अगर आपको N=1 दे दी, उसका भार आपको पूछ लिया, W आपसे पूछिए, तो अब आप कौन कौन से फॉर्मूले बराबर करोगे, एक परमाणु दिया, संख्या दे दी ना एक, और भार यानी W पूछ लिया। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, कौन कौन से फॉर्मूले बराबर करूं मैं, तो W/हीलियम क्या होता है, एटॉमिक वेट आएगा, अणु थोड़ी है हीलियम, अणु होता तो अणु भार आता, मॉलिकुलर वेट, लेकिन हीलियम तो एटम है, तो एटॉमिक वेट आएगा इक्वल टू N/NE, क्योंकि हमको संख्या दी है, तो भार निकालने के लिए आप क्या करोगे, N/NE × एटॉमिक वेट।
ये करोगे तो W बराबर परमाणु कितना है, एक बटा एम ए इंटू एटोमिक वेट, जिसका भी एटोमिक वेट है। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, तो बेटा अब क्या करने वाले हैं हम, एक परमाणु का पूछा है तो एक बार जानकारी ध्यान से रख लो, एक बटा जो एन ए होता है जिसको आप लिख सकते हो एक बटा 6.02 इंटू 10^23, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो एक बटा 6.02 इंटू 10^23 को आप लिखते हैं ए एम, क्या लिखते हैं, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, ये ए एम यू हो गया, ठीक है, ए एम यू। तो फिर मैं डब्लू बराबर क्या लिख दूँ, एटॉमिक वेट, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 4, तो 4 और एक बटा एन ए को वहाँ से मैंने क्या लिख दिया, ए एम यू, तो एक परमाणु का भार हो गया 4 ए एम यू, कितना हो गया 4 ए एम यू, या इसको एस ओनली यू भी लिखा सकता है, 4 यू, कितना हो गया 4 यू, तो एक एटम हीलियम का भार हो गया 4 यू, लेकिन हीलियम का मोलर भार हो गया 4 ग्राम, ध्यान रखना मोलर मास 4 ग्राम, एक परमाणु का मास 4 यू, जैसे और ले लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन से हमने क्या सीखा वो भी हम लिखते चलते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा बेटा, हीलियम का मोलर मास या जिसको परमाणु भार भी बोलते हैं, परमाणु भार, मोलर मास या परमाणु भार कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल, कितना होता है 4 ग्राम पर मोल, लेकिन पूछे हीलियम का के एक परमाणु का भार, तो फिर वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपके 4U, क्या आएगा 4U, समझ गए क्या। सेम एक बार और पूछ लेता हूँ, सोडियम का मोलर या सोडियम का परमाणु भार सब जानते हैं सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो वो बोलेंगे 23 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर आपसे पूछे सोडियम के एक परमाणु का भार, एक में आपको क्या बताना है, परमाणु भार बटा एन ए, एक का भार निकालने के लिए परमाणु भार बटे एन ए करते ना, तो आप क्या जाएगा 23, और एक बटा एन ए को क्या लिखेंगे यू, 23 U, क्या हो गया 23। तो एक का जब भी पूछे तो उस परमाणु भार में एन ए का भाग लगा देना, समझ गए। चलो एक और देखता हूँ मैं, देखें बताना आपकी बात, एक अणु C6H12O6 का भार है, डेल्टा S की पूर्ति करना,
C6H12O6 का अणुभार है। तो यहाँ क्या आएगा, या एक अणु का पूछा है या अणुभार पूछा है। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है बेटा, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ तो आएगा 180 ग्राम पर मोल, लेकिन यहाँ पूछा है 101 अणु का। तो एक अणु का निकालने के लिए आपको वही 1/NA लगेगा। तो जिसको 1/NA को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ आएगा 180 U। कितना आएगा, 180 U या AMU भार है। समझ गए। तो एक अणु का जब भी निकालना चाहे तो आपको यू लगा देना है, यानी NA/A। चलिए NCERT का एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन बनता है NCERT का, करिए उसको। NCERT क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परमाणु संख्या का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित में परमाणु संख्या का परिकलन कीजिए। पहला है 52 मोल, 52 ग्राम परमाणु और ग्राम परमाणु, ये मोल भी लिख दो, ग्राम एटम हीलियम। दूसरा है बी, 52 ग्राम हीलियम, और सी है 52 U हीलियम। तीनों देखो 52 52 52 है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तीनों में 52 है, लेकिन तीनों में परमाणु पूछे हैं आपसे कि तीनों में कैसे परमाणु आप निकालोगे। तो देखिए बताओ, सॉल्व करो आप। चलिए सॉल्व करें, ठीक है सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन है, इधर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक है। तो 52 ग्राम एटम, ग्राम और एटम, तो देखिए ग्राम एटम साथ साथ लिखा जाए, कोई स्पेस नहीं हो बीच में, ग्राम एटम, तो इसका मतलब होता है मोल। क्या मतलब होता है, मोल। ग्राम, ये 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब भी होता है मोल। 1 ग्राम आयन लिखा जाए, इसका भी मतलब क्या होता है, मोल। तो बेटा यहाँ लिखा है ग्राम एटम, तो ये ग्राम नहीं है, ये मोल है। क्या है, ये मोल है। 1 ग्राम एटम साथ साथ लिखा है 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल, 1 ग्राम आयन 1 मोल। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये मोल होते हैं, तो इसको मोल सब पढ़ेंगे अब आप, ठीक है। चलिए तो मिटा दूं, तो ये आप जानकारी लिख लिया आपने। अब मैं यहाँ 52 पहला आंसर पहले में निकाल रहे हैं, 52 ग्राम एटम का क्या मतलब है, 52 ग्राम एटम का मतलब हो गया आपके 52 मोल।
क्या हो गया 52 मोल। अब आपको हीलियम के परमाणु पूछे तो एक मोल में कितने परमाणु, एक मोल में होते हैं कितने 6.02 इंटू 10^23 परमाणु। कितने परमाणु 6.02 इंटू 10^23 परमाणु। इसलिए इसलिए कितने में 52 मोल में परमाणु हो गए 52 इंटू 6.02 इंटू 10^23। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना आपके परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का जवाब। अब बी का लिख लेते हैं क्वेश्चन बेटा। तो बी है 52 ग्राम, तो ये अलग है, ये और ये लैंग्वेज अलग है ना। उसमें 52 ग्राम एटम, और ग्राम एटम तो मोल हो जाते हैं, लेकिन ये है 52 ग्राम, यानी ये क्या है सॉल्यूशन बी। तो ये क्या है बेटा, डब्लू है ये, आपके डब्लू दे दिया कितना 52 ग्राम। तो पहले हम क्या निकालेंगे परमाणु, तो वही लगाएंगे डब्लू बटा एम डब्लू। ये हीलियम तो एटम होता है, तो क्या आएगा ए डब्लू, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एन बटा एन ए। अब आपको क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है एन। ठीक है, तो यहाँ से एन कैसे निकालेंगे, एन बराबर डब्लू बटा ए डब्लू, ए डब्लू मतलब एटॉमिक वेट इंटू एन ए। एन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ सब कुछ है आपको, डब्लू कितना है 52 ग्राम, तो 52 हीलियम का परमाणु भार 4 ग्राम पर मोल इंटू एन ए, यानी 13 इंटू 6.02 इंटू 10^23 आ गया। 6.02 इंटू 10^23 आपके आ गया क्या परमाणु। तो ये भी सॉल्व हो गया मेरा, और ये भी सॉल्व हो गया, दोनों सॉल्व हो गए ना। अब पूछा है 52U हीलियम में परमाणु, किसमें पूछा है 52U हीलियम में। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है कुल भार। एक हीलियम का भार क्या होता है आप जानते हो, एक चूंकि एक हीलियम परमाणु का भार, वो तो आप जानते हो परमाणु का भार, परमाणु भार नहीं परमाणु का भार एक का, अभी अभी बताया था 4U, कितना बताया था 4U। तो 52U हीलियम में कितने परमाणु होंगे, तो अब अपन जानते 52 रुपये में एक सेब अगर एक पेन अगर 4 रुपये का आता है तो 52 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो कैसे निकालोगे, कुल रुपया बटा एक पेन का मूल्य। तो परमाणु संख्या आ गई आपके पास, परमाणु संख्या आपके पास आ गई है 52, कुल भार, कुल भार बटा एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। तो कुल भार कितना है, कुल भार है 52U, और एक परमाणु का भार 4U, यू से यू कैंसिल आउट, 13 परमाणु। कितने परमाणु आ गए 13 परमाणु। देखो तीनों में आंसर अलग अलग आए, 52 मोल में इतने सारे परमाणु, 52 ग्राम में पहले मोल निकाल लिए 13 मोल, 13 मोल में कितने 6.02 से गुणा कर दिया, यहाँ 52 ही यहाँ था
लेकिन यह 52 था, 52 परमाणुओं का भार, तो एक परमाणु का 4 यू भार होता है, तो 52 में कितने परमाणु होंगे, 13। तो यहाँ ज़्यादा आया, यहाँ ज़्यादा आया, लेकिन यह केवल 13 आया। तो सबसे कम परमाणु किसमें है, 52 U में सबसे कम परमाणु विद्यमान होते हैं। क्लियर बात, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, कॉपी कर लो एक बार, तीनों को पोज करके कॉपी कर सकते हो, परमाणु संख्या आपकी निकल के सामने आ गई है। तो एक क्वेश्चन और लेंगे हम इस पे, कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस, समझ में आ रहे हैं आपके, मोल संकल्पना पे, मोल में मतलब आयतन में कितने मोल, द्रव्यमान में कितने मोल, ये हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो बेटा, आपसे पूछे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 11.2 लीटर CO2 के भार की गणना करनी, कितने की, 11.2 लीटर CO2 भार को बताना है, कितना 11.2 लीटर। तो यहाँ आपको क्या दे दिया, यहाँ तो वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दे दिया, 11.2 लीटर दे दिया, बहुत बढ़िया, 11.2 लीटर दे दिया आपको। अब 11.2 लीटर जो वॉल्यूम दिया है, उसका क्या पूछा है आपसे, भार पूछा है, W पूछा है, तो W को निकाल लेंगे। तो 11.2 लीटर का भार तो हम कौन कौन से फॉर्मूले बराबर करेंगे, W पूछा है तो W बटा अनुभार इंटू गिवन आयतन बटा 22.4 लीटर। अब आपको W पूछा है ना, तो W बटा बी अपॉन 22.4 इंटू 11.2 लीटर, ये कट गया देखो दो बार, कितना आयतन कितना भार, तो W बराबर बी का मान है, की वैल्यू 11.2 लीटर, ये 22.4 लीटर, और अनुभार इधर आ जाएगा, तो CO2 का अनुभार कितना होता है, 44 ग्राम, कितना होता है 44 ग्राम, तो W कितना आ जाएगा, ये दो बार कट गया, 22 ग्राम। तो 11.2 लीटर CO2 का भार 22 ग्राम होने वाला है, कितना 22 ग्राम होने वाला है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। अगर मान लो 11,200 की जगह ये मैं लिख देता हूँ 56 ml, अब ml में दे दूँ 56 ml और CO2 की जगह SO2 कर दूँ, तो SO2 भी गैस ही होती है, तो गैस के लिए ये वाला है फॉर्मूला वैलिड होता है, तो गैस, तो मैंने पूछ लिया 56 ml लीटर को हटा देता हूँ, 56 ml SO2 के बाहर, SO2 गैस के बाहर की गणना करो, तो अब 56 ml है ना, तो आयतन आपको फिर से दे दिया, लेकिन इस बार आयतन किस में दिया है, ml में दिया, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट कर ले। ml को लीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है 56/1000 लीटर, ले लो लीटर में कन्वर्ट हो गया। कोई भार पूछा है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो फॉर्मूला ये लगा दो, तो W बटा MW, अब की बार आयतन किस में, 56, लेकिन लीटर में बदलने के लिए आपने क्या किया, 1000 से भाग लगा दिया, तो ये कट गया कितनी बार, 22 से कम बार, इसको अगर अपन 10 यहाँ से कम कर दें, यहाँ लगा दें, तो ये कट जाता है 4 बार, यानी आ गया आपके 1/400, कितनी बार कट गया, 1/400।
400, तो 1/400 अब अनुभाग, तो W बराबर 1/400 इंटू अनुभाग, कितना ही तो बार होगा, अनुभार कितना होता है, रेस का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, 32 और 32 64, तो 1/400 इंटू 64, 4 चौक से कट गया ये, 4 एकम 4 16 बार, 16 चौके 64 होते हैं, यानी कितना आ गया 0.16 ग्राम, 56 ml SO2 का भार 0.56 ग्राम होने वाला है। कोई दिक्कत? तो बहुत बढ़िया, कर लिया। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ आयतन दे देता हूँ, वही ml, 18 ml, और SO2 की जगह कर देता हूँ इस बार H2O का भार क्या होगा, 18 ml H2O का भार क्या होगा। तो अब आप कहोगे बिल्कुल सेम है, आयतन दे रखा है, इस बार भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी आपको क्या गिवन है, आयतन 18 ml, लेकिन अब हम W अपॉन एम डब्ल्यू बराबर बी अपॉन 22.4 लीटर में ये नहीं लगा सकते, ये लगाना गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि H2O गैस नहीं है, H2O लिक्विड है, ये द्रव है, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ओनली और गैस, ये फॉर्मूला केवल और केवल गैस के लिए है, और H2O द्रव होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को लगाना ठीक नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, तो फॉर्मूला यूज नहीं ले सकते, तो द्रव के लिए अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, ध्यान रखना द्रव आ जाए ना इसमें, और आयतन दे रखा हो, तो ऐसे जैसे अभी दो क्वेश्चन किए थे वैसे नहीं करने हैं, अब आपको द्रव के लिए अलग तरीके से लिखना है। हम जानते हैं कि जल का घनत्व कितना, जल का घनत्व होता है आपके 1 ग्राम प्रति ml। अगर क्वेश्चन घनत्व दे के चले या नहीं दे के चले, तो जल का याद रखो 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब है, मतलब क्या मतलब है, 1 ml में 1 ग्राम मौजूद है, 1 ml में 1 ग्राम मौजूद है, तो 18 ml में, चूंकि 1 ml किसके बराबर, 1 ग्राम पर ml के बराबर, तो इसलिए 18 ml किसके बराबर, तो 18 ml 18 ग्राम के बराबर, 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है, तो 18 ml 18 ग्राम के बराबर होने वाला है। तो अब तो W मिल गया, ये क्या है आपके, ये W है, और जब W मिल गया तो भार ही पूछा इसने, 18 ml H2O का भार 18 ग्राम। अगर इसने पूछता भार तथा मोल बताओ, तथा मोल, मोल भी पूछ लेता मान लो, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल कैसे निकालें आप देखिए, हम जानते हैं मोल का फॉर्मूला क्या है, दिया गया भार बटा अनुभार, 18 ग्राम में अनुभार H2O का 18 ही होता है, तो कितना मोल, 1 मोल, कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया 18 ml, 18 ml H2O में कितना मोल, 1 मोल। अभी 56 के अंदर बहुत कम भार आया था, गैस का भार बहुत कम होता है, जल का भार ज़्यादा होता है, इसलिए 18 ग्राम 18 ml में 18 ग्राम भार हो गया, जबकि पहले 56 ml में भी 0.16 ग्राम था,
56 ml में भी कितना था, 0.16 ग्राम है, और यहाँ 18 ml में भी 18 ग्राम हो गया, क्योंकि गैस के लिए वो सूत्र लगता है और द्रव के लिए वो सूत्र नहीं लगता है। क्लियर हो गई पिक्चर, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो कैटेगरियाँ हैं ये जिन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन इन कैटेगरीज पर क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ले लिए। एक क्वेश्चन में अब और आपको दूंगा, ये क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिएगा, और खुद से नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेने वाले हैं। तो बेटा एक कंटेनर है ऐसे, ठीक है, इसमें CO2 44 ग्राम CO2 रखी है। कितनी CO2 रखी है? 44 ग्राम। इसमें से एक छोटे से पात्र में कुछ अणु इसमें शिफ्ट कर ली, कितने, 3.01 × 10³³ अणु CO2 इस पात्र में शिफ्ट कर दी हमने, और इसमें से 56 ml CO2 को उड़ा दिया है। क्या कर दिया है? 56 ml CO2 को उड़ा दिया गया है, और 3.01 × 10³³ अणु CO2 दूसरे पात्र में शिफ्ट कर दिए हैं। अब बताइए CO2 का, इसको कंटेनर ए, बीकर एक नाम दे देते, बीकर ए, ये बीकर बी, बीकर बी। अब बताइए CO2 का बीकर बी में, बीकर बी, बी में नहीं, ए, बीकर ए में कितना भार शेष बचेगा? दिमाग लगाइए। अच्छा, कैसे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। बेटा इसमें CO2 के 44 ग्राम है, इसमें अणु ट्रांसफर किए, तो अणु कुछ भार को लेके गए होंगे ना, ये अणु किसको लेके गए हैं, कुछ भार को लेके गए हैं, तो उस भार को आपको निकालना है, और 56 ml उड़ा दिया गया है तो उस भार को भी आपको निकालना है। ट्राई करना खुद, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे फिर हम देखेंगे।